नहीं देने वाला हूँ क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये हाईएस्ट वेटेज रखता है और ये आपको फिजिक्स में भी है ये चैप्टर और केमिस्ट्री में भी है, तो ये पूरा चैप्टर आप करके जाइए। ये थर्मोडायनामिक चैप्टर आपको फिजिक्स में भी है, आपको मैंने उसके इंपॉर्टेंट कोर्सेज दिए थे वहाँ पे, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं दिया फिजिक्स में भी, और यहाँ पे भी नहीं देने वाला हूँ केमिकल थर्मोडायनामिक के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, टॉपिक्स नहीं मिलने वाले हैं। इतना ध्यान रखिए टॉपिक्स यहाँ पे नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे टॉपिक्स करने हैं और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, या उसके बाद एक और टॉपिक है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फिर यहाँ पे एंथैल्पी है, एंथैल्पी के बाद जितने भी प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हैं, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, इंटरनल एनर्जीज, फिर रिवर्सिबल प्रोसेस, सारे आपको करने हैं। प्रोसेस ऑफ सिस्टम्स, टाइप ऑफ सिस्टम आपको पता होगा, जिसमें कप रहता है, कप को खुला है ऊपर से तो वो ओपन सिस्टम में है तो जल्दी ठंडा होगा, उसके बाद यहाँ कप के ऊपर अगर हम ढक दे तो उसका धीरे थोड़ा स्लो हो जाता है, या आइसोलेट करें तो उसमें उसका चेंजेस कुछ नहीं होता, ना एनर्जी ना हीट कुछ नहीं चेंजेस होता, तीनों सिस्टम्स है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम्स, फिर पीवी वर्क, जितने भी डेरिवेशन आपको अच्छे से करने हैं वहाँ पर, चाहे मैक्सिमम वर्क का भी हो, तो सारे आपको करने हैं अच्छे से इसमें। बस चलिए आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं कौन कौन से आपको है, मैंने आपको दिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें आपको पीवाईक्यू भी दिया है मैंने, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप अच्छे से पूरा कर लो, पूरा का पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दिया हूँ उसको अच्छे से कर लो, ये चैप्टर कर लो, क्योंकि आपको फिजिक्स में भी है तो आप इसको दो बार कर पाओगे, तो अगर आप दो बार करो तो आपके लिए अच्छा रिविजन हो पाएगा इस चैप्टर का, और क्योंकि इसका वेटेज भी ज़्यादा है। तो इसके बाद आपको मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से दे रहा हूँ मैं आपको, तो यहाँ पे देखिए आपको मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं इस चैप्टर के, व्हाट इज एंट्रोपी, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबसन गिव एन एग्जांपल, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन गिव एन एग्जांपल, फिर एक्सप्रेशन ऑफ फॉर वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, एक्सप्रेशन यहाँ पे करना है प्रूव करना कि हीट इज इक्वल टू डेल्टा, यहाँ पे करना है जो मार्च 2009 में आया है, उसके डिफरेंस बिटवीन करना है आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस का, ये 2010 में आया है, फिर डिफाइन द फॉलोइंग एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, फिर ये जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन आपको बताना है कैलकुलेट करके, फिर डिराइव द रिलेशन करना है, उसके बाद यहाँ पे चारों मैंने आपको दिया है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करना जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में है, उसके बाद यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एनी टू फीचर स्पॉन्टेनियस इररिवर्सिबल प्रोसेस, एक्सप्लेन ऑफ स्टेट एंड पाथ फंक्शंस, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पीवाईक्यू में आ चुके हैं, जिसको अच्छे से करके रख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे पूरा चैप्टर करना है थर्मोडायनामिक्स के, किसका वेटेज ज़्यादा है, 8 मार्क्स का वेटेज है, और केमिस्ट्री ये फिजिक्स में भी यहाँ पे 5 मार्क्स का कुछ है, जिसको अच्छे से आप करके रख लो। तो आज इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, थैंक यू।